हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम इलेवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसीएस बेल्जियम के T10 सीरीज़ के बारे में, जो कि ग्रुप बी का मैच आज से स्टार्ट होने वाला है। तो मैच नंबर 21 और 22 खेला जाएगा दोस्तों, रॉयल्स ब्रुसेल्स और इंटरनेशनल सीसी ब्रुसेल्स के बीच में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं यहीं पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, यहाँ से मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और यहाँ पे जितने भी चेंजेस होते हैं और टीम्स मैं यहीं पे ऑफिशियल टीम यहीं पे देता हूँ, ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, और जो भी चेंजेस होते हैं आफ्टर टॉस मैं यहीं पर सबको इन्फॉर्म करता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मैच के बारे में। तो बेल्जियम T10 सीरीज का 21वां 22वां मैच खेला जाएगा रॉयल्स ब्रुसेल आईसीसी बी के बीच में, और टाइमिंग रहेगा दोस्तों 12 बजे। वेदर की बात करें तो रन का कोई चांस नहीं है। वेन्यू रहेगा ब्रिक वर्क ग्राउंड स्टेडियम बेल्जियम का, पिच रूपेट आर्टिफिशियल रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पे 100 से 130 के बीच में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि मस्त हिटिंग हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी तगड़ी हिटिंग चल रही है। तो चलिए बात करते हैं रॉयल ब्रुसेल्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से ओपन करेंगे वसुख भट्ट मोहम्मद मुनीफ के साथ, और वसुख भट्ट का रिकॉर्ड देख लीजिए दोस्तों, 24 मैच में 226 रन, 30 विकेट ODT की, और T20 के 23 मैच में 109 रन, 25 विकेट है। मोहम्मद मुनीफ का रिकॉर्ड देख सकते हैं, T20 के 21 मैच में 252 रन की पारी खेला है बंदा, ODT के 25 मैच में 666 रन, 34 विकेट, T20 के 18 मैच में 503 रन, 9 विकेट, मतलब काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। कैप्टनसी का प्रबल दावेदार रहेगा अगर ये खेलता है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है तो, क्योंकि 2 ओवर की बॉलिंग करा करके भी आपको देगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर आएंगे गुरनाम सिंह T20 के 4 मैच में 49 रन, 1 विकेट, फिर आएंगे सैयद जमील T20 के 1 मैच में 3 रन है, फिर ODD और T20 का रिकॉर्ड इनका देखिए, T20 का और ODD का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और उसके बाद आएंगे दोस्तों बसित भट्ट, फिर बसित भट्ट का रिकॉर्ड देखते हैं, ODD के 2 मैच में 3 विकेट, T20 के 4 मैच में 63 रन, 6 विकेट है। फिर मुस्तफ़ा मामून ODD के 12 मैच में 161 रन, 5 विकेट, T20 के 12 मैच में 282 रन, 2 विकेट है। फिर उसके बाद सरीम चौधरी आएंगे दोस्तों ODD के 11 मैच में 8 विकेट, T20 के 13 मैच में 121 रन, 17 विकेट। सूद वर्मा ODD के 13 मैच में 54 रन, 3 विकेट, T20 के 15 मैच में 263 रन, 17 विकेट है। फिर उसके बाद दोस्तों ताहा चौधरी आएंगे ODD के 25 मैच में 299 रन, और T20 के 18 मैच में 89 रन है। फिर रहमान हुसैन ODD के 19 मैच में 43 विकेट इनके हाथ में हैं, और T20 के 2 मैच खेले से जिनमें विकेट लेस रहे थे, 43 विकेट मायने रखता है दोस्तों, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। फिर उसके बाद साइरब जाहिद T20 के 5 मैच में 50 रन, 2 विकेट, ODD के 21 मैच में 126 रन, 28 विकेट, T20 के 20 मैच में 19 विकेट है, मतलब कि ये काफ़ी तगड़ी बॉलिंग करा करके आपको देगा, खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ से बात करते हैं आपकी टीम में प्रोबेबल टीम में कौन होने चाहिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से यहाँ पे प्लेयर रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ से वसुख भट्ट और मोहम्मद मुनीम आपकी टीम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से मैं उसके बाद सरीम चौधरी और मुस्तफ़ा मोमट के साथ मैं जाऊँगा दोस्तों, फिर सूद वर्मा मेरी टीम में रहेंगे, और उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैं साइरब जाहिद को अपनी टीम में लूँगा। मैं रहमान हुसैन को भी सोचूंगा, लेकिन अगर 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 ये बॉलिंग कराता है, अगर कराए और खेलता है तो मैं ज़रूर इसके बारे में सोचूंगा। फिलहाल अभी के लिए इनको स्किप कर देते हैं, और टेलीग्राम को इसीलिए ज्वाइन कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे ऑफिशियल टीम डालता हूँ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे आपको सरीम चौधरी और साइरब जाहिद, और लास्ट ओवर डालेंगे साइरब जाहिद और सुध वर्मा। तो देख लीजिए बेंच में जितने भी प्लेयर हैं, अगर ये खेलते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको स्टेट्स भी वहीं पे दे दूंगा।
चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल सीसी ब्रुसेल्स के प्रोवेल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से ओपन करेंगे गंगाधर बर्रे अनिरुद्ध पोध मसेट्टी के साथ, अनिरुद्ध पोध मसेट्टी के साथ। और उसके बाद देख लीजिए ओडीडी के 18, गंगाधर बुर्रे का रिकॉर्ड 18 मैच में 209 रन 20 विकेट, और T20 के 5 मैच में 131 रन 4 विकेट है। फिर उसके बाद अनिरुद्ध पोदम शेट्टी का ओडीडी के 19 मैच में 361 रन 16 विकेट, और T20 के 4 मैच में 21 रन 2 विकेट है। मतलब तो दोनों का रिकॉर्ड ही ठीक ठाक है, और ये बॉलिंग भी करा करके दे सकते हैं दोनों। उसके बाद आएंगे दोस्तों साई टीपी, ओडीडी के 19 मैच में 276 रन 7 विकेट, T20 के 4 मैच 4 विकेट है। मतलब तो इसका बॉलिंग कराना तो फिक्स रहेगा दोस्तों, अगर ये खेलता है तो, क्योंकि T20 में भी इसने बॉलिंग ही कराई थी। उसके बाद आएंगे दोस्तों राजाशेखर गोली, जो कि 21 ओडीडी के 21 मैच में 272 रन 24 विकेट, T20 के 14 मैच में 171 रन 10 विकेट है। फिर उसके बाद आनंद सुंदरम ओडीडी के 10 मैच में 261 रन 3 विकेट। फिर आएंगे दोस्तों यहाँ से संजीत कुमार, ओडीडी के 14 मैच में 63 रन 23 विकेट है, और T20 के 14 मैच में 173 रन 14 विकेट। काफ़ी तगड़ा रिकॉर्ड है, अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों आएंगे मनीष सरकार, ओडीडी के 19 मैच में 313 रन 12 विकेट, और T20 के 14 मैच में 201 रन 8 विकेट। दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, ये प्रमोट हो के कभी कभी ऊपर भी चला जा सकता है। देख लीजिए इसका रिकॉर्ड, अगर खेलता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक रहेगा। चलिए यहाँ से बात करते हैं, उसके बाद आएंगे श्रवण कोंडरू, ओडीडी के 18 मैच में 190 रन 20 विकेट, T20 के 8 मैच में 5 विकेट है, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद श्रीकांत मंडपति, ओडीडी के 27 मैच में 253 रन 35 विकेट, T20 के 9 मैच में 4 विकेट। फिर उसके बाद आएंगे प्रताप अम्बाती, ओडीडी के 17 मैच में 267 रन 1 विकेट, और उसके बाद T20 के 13 मैच में 246 रन है। उसके बाद नित्यानंदन कृष्णन आएंगे ओडीडी के 17 मैच में 84 रन और 13 विकेट, और T20 के 2 मैच में डिड नॉट बैट रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आपकी टीम के लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन होंगे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेंगे गंगाधर बर्रे, अनिरुद्ध पोदमासेट्टी, और दोस्तों उसके बाद राजशेखर गोली, राजशेखर गोली के रिकॉर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद संचित कुमार इम्पोर्टेंट रहेंगे, मनीष सरकार यहाँ से इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे, और दोस्तों फिर आ नीचे से बात कर ले तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे श्रीकांत मंडपति और नित्यानंदन कृष्णन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इसे यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्टिंग के ओवर कौन डालेंगे। तो स्टार्टिंग के ओवर संजीत कुमार, श्रीकांत मंडपति, और लास्ट के ओवर डालेंगे संजीत कुमार, राजशेखर गोली आपको डालते हुए दिखेंगे। बेंच में जितने प्लेयर हैं दोस्तों इन सब के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों जो टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, और